In this video, I'm going to tell you 10 reasons why young men fall for older women. And we are starting right now. बहुत सारे लड़कों के अंदर एक चाहत होती है कि हमें ना अपनी एज से बड़ी लड़की चाहिए, अपनी एज से 4-5 साल बड़ी गर्लफ्रेंड चाहिए, या मैं 10 साल या 7-8 साल बड़ी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। नॉर्मली सोसाइटी में हम देखते हैं कि मेन आर ओल्डर देन वुमेन इन अ रिलेशनशिप। हमने अपने पेरेंट्स को भी देखा है कि नॉर्मली पेरेंट्स में पापा बड़े होते हैं मम्मी से, या रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड बड़ा होता है अपनी गर्लफ्रेंड से। लेकिन अब सोसाइटी में चेंज आ चुका है, अब जो शादियां हो रही हैं या फिर जो रिलेशनशिप हमें देखने को मिलते हैं उसमें जनरली अब हमें लड़के छोटे दिखाई दे रहे हैं और लड़कियां बड़ी। फॉर एग्जाम्पल प्रियंका चोपड़ा एंड निक जोनस। What? प्रियंका चोपड़ा एंड निक जोनस। रीजन नंबर वन वाई यंग मैन फॉल फॉर ओल्डर वुमेन इज दैट ओल्डर वुमेन आर वेल एस्टेब्लिश्ड एंड ड्रिवन। जवान लड़के या फिर यंग मेन्स के अंदर एक छोटी सी आदत होती है क्या, कि उनको एस्टेब्लिश्ड होना है, उनको सक्सेसफुल बनना है लाइफ में, तो वो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने से ज्यादा एज के लोगों को अपने सर्कल में रखने की कोशिश करते हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके साथ साथ वो भी ग्रो हो सके। अब ऐसी सिचुएशन में ओल्डर वुमेन जब रिलेशनशिप में आती है किसी जवान लड़के के साथ या जवान आदमी के साथ, तो वो उनकी हेल्प करती है उन्हें आगे बढ़ने में, सक्सेसफुल बनाने में, क्योंकि उन्होंने लाइफ में काफी सारी चीजें देखी होती हैं, जॉब लाइफ का एक्सपीरियंस देखा होता है, फैमिली एक्सपीरियंस देखा होता है, दुनियादारी देखी होती है, समाज देखा होता है, उन्हें अप्स एंड डाउन्स के बारे में पता है। इसीलिए उनके अंदर एक स्ट्रेंथ आती है उनकी स्मार्टनेस की वजह से, उनकी स्ट्रेंथ की वजह से, एंड दे आर वेरी ड्रिवन एंड एस्टैब्लिश्ड। दिस इज द रीजन कि क्यों जवान लड़के या जवान आदमी ओल्डर वुमेन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। रीजन नंबर टू इज दे आर हाईली एक्सपीरियंस्ड। ओल्डर वुमेन हैज लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस अबाउट डेटिंग, अबाउट सेक्स लाइफ, अबाउट रिलेशनशिप्स। साइकोलॉजिकल रिसर्चेस से यह पता चला है कि ओल्डर वुमेन हैव ब्रॉड माइंडसेट देन यंग वुमेन और यंग गर्ल्स। जैसे यंग गर्ल्स होती हैं वो छोटी छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा अटेंटिव होती हैं कि इसका पेट निकला हुआ है, इसके एब्स हैं कि नहीं, ये कैसे बात कर रहा है, ये कैसे बैठ रहा है, इसके स्पीकिंग स्किल्स कैसे हैं, इसके बाल कैसे हैं। ओल्डर वुमेन डज नॉट गिव अ शिट अबाउट दिस। रीजन नंबर थ्री, ओल्डर वुमेन आर जनरली ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। जवान लड़कियों की तरह या यंग गर्ल्स की तरह वो चुतिया नहीं काट के जाती रिलेशनशिप के अंदर। अगर उनको कोई चीज रिलेशनशिप में अच्छी नहीं लगती तो वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देती है कि देखो मुझे रिलेशनशिप में ये चीज नहीं पसंद है, या फिर हम रिलेशनशिप में आगे नहीं जा सकते। रीजन नंबर फोर, ओल्डर वुमेन आर नॉट ऑब्सेस्ड विद टेक्नोलॉजी। दे नो हाउ टू एक्सप्रेस देयर लव फेस टू फेस रादर देन एक्सप्रेसिंग द लव ऑन सोशल मीडिया। अगर इनके पार्टनर्स इन्हें सोशल मीडिया पे हैप्पी बर्थडे विश ना करें और टैग ना करें तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बात बात पे या हर मोमेंट में इन्हें सोशल मीडिया पे पोस्ट करने की आदत नहीं होती। तो गाइस हमने अब मोमोज खा लिए हैं, तो गाइस अब हम गाड़ी में बैठने जा रहे हैं और हमने टोकन ले लिया है मेट्रो का। दे इन्वेस्ट मोर टाइम इन रियल कॉन्वर्सेशंस विच इन्वॉल्व वर्ड्स एंड फीलिंग्स। टाइम इन्वेस्ट से याद आया, आप भी थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर देना। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अब चल हैं आगे। रीजन नंबर फाइव है। हेलो, हाँ गोलू, हाँ मोमोस खा लेंगे, मैं आपको खिला दूंगा ना शाम को, चल तो रहे बेटा। हाँ खिलाएंगे, ठीक। रीजन नंबर फाइव, ओल्डर वुमेन डज नॉट नीड मोर अटेंशन एंड पैम्परिंग। ओल्डर वुमेन जनरली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की होती हैं, उन्हें ये बचकानी हरकतें ज्यादा पसंद नहीं आती। अगर उनको ये दिखाओगे तो उनको अच्छा जरूर लगेगा, लेकिन दे डू नॉट क्रेव फॉर अटेंशन, दे डू नॉट क्रेव फॉर पैम्परिंग। मुझे बाबू बोलो, मुझे सोना बोलो, नहीं बोलोगे तो भी चलेगा। रीजन नंबर सिक्स, ओल्डर वुमेन आर नॉट हाई मेंटेनेंस। लेकिन यंग गर्ल्स के अंदर ये चीज देखी जाती है जनरली कि उनको महंगे महंगे गिफ्ट्स या बड़े बड़े सरप्राइजेस की बहुत ज्यादा आदत होती है, उनको अपने बॉयफ्रेंड से ये सब चीजें चाहिए होती हैं। रीजन नंबर सेवन, ऐसे दिख रहा है सेवन कौन सा सीधा। रीजन नंबर सेवन इज दे आर एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट। बाबू शादी के बाद मुझे कॉफी पिला के दोगे ना, शादी के बाद मुझे सुबह सुबह उठ के जूस बना के दोगे ना वाला सीन इनके साथ नहीं होता है। ये अपने पति को खाना बना के दे देंगी सुबह सुबह और ऑफिस भी चली जाएंगी। इसकी वजह से यंगर मैन या फिर जवान लड़के ओल्डर वुमेन के लिए काफी ज्यादा पागल होते हैं या फिर अट्रैक्टेड होते हैं उनकी तरफ। नेक्स्ट रीजन इज दैट दे आर इन टच विद रियलिटी। जनरली यंग गर्ल्स आर मोर इनटू अ फैसिनेटिंग वर्ल्ड कि हम शादी करेंगे, हमारी लाइफ में ये होगा, वो होगा, बच्चे होंगे और सब कुछ एकदम अच्छा होगा। लेकिन ओल्डर वुमेन इन सब चीजों को ऑलरेडी देख के आ चुकी है अपनी लाइफ में। उनको पता है कि रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स होते हैं, हार्ट ब्रेक्स होते हैं, पीपल आर सेल्फिश, दुनिया बहुत खराब है। वो ये सब देख के आ चुकी होती हैं, इसीलिए वो रियलिस्टिक वर्ल्ड में ज़्यादा जीती हैं, उनको प्रैक्टिकल लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती है। इसीलिए जवान लड़के यंग गर्ल्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। रीजन नंबर नाइन इज दे फेस ब्रेकअप्स मैच्योरली। ओल्डर वुमेन आर अवेयर दैट रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स होते हैं, और जनरली व्हेन दे आर इन ए रिलेशनशिप विद यंग मैन तो उनको ये बात अच्छे से पता होती है कि अगर सोसाइटी ने इनको ताने मारने स्टार्ट कर दिए या इनके ऊपर फैमिली से प्रेशर आने लग गया कि तू अपने से 5 साल बड़ी या 10 साल बड़ी औरत या लड़की से शादी कर रहा है,
तो इस प्रेशर में आके वो ब्रेकअप कर सकते हैं, उनको इस चीज के बारे में अच्छे से पता होता है और ये इस चीज को बहुत ही मैच्योरली फेस करती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको रोना नहीं आता, ये रोती हैं, इनका दुख भी होता है इनको, लेकिन कमरे में बंद करके दे क्राई एंड ईट लाइक हेल। बट ये किसी के पास जाके तबाही नहीं मचाती कि मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने मुझे छोड़ दिया, मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, मैं तुझे ब्लॉक कर दूंगी, आज के बाद मेरी शक्ल मत दिखाइयो मुझे, मेरी शक्ल मत देखियो, इस तरह की चीजें दे डोंट डू। इसीलिए मे बी यंग मेन आर यू नो मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ओल्डर वुमेन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10th रीजन व्हाई यंग मेन फॉल फॉर ओल्ड वुमेन इज दैट दे आर हाईली एक्सपीरियंस्ड इन बेड। ये सबसे बड़ा रीजन होता है लड़कों का कि उन्हें ओल्डर वुमेन क्यों पसंद आती है, क्योंकि उनको सेक्स लाइफ में या फिर सेक्स के बारे में या फिर बेड में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। यंगर वुमेन को हर चीज का एक्सपीरियंस होता है, नहीं, ओल्डर वुमेन को हर चीज का एक्सपीरियंस होता है, उनको चीजों के बारे में मालूम होता है, वो क्लियरली बता देती हैं कि भाई दिस इज व्हाट आई वांट एंड दिस इज व्हाट यू शुड डू। क्या यंग मैन और ओल्डर वुमेन का रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो सकता है? आपको क्या लगता है सोसाइटी में ये चीज ठीक है ठीक नहीं है, कमेंट करके मुझे बताओ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और जब तक आप ये वीडियोस देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। अरे यार मैं तेरे को मोमोस खिलाता हूँ आज यार, वीडियो बाद में डालूंगा, पहले मोमोस।